4.2.4 त्वरण एक्सेलरेशन। आप रेसिंग कार और सड़क पर चलने वाली कार में सामान्यतः क्या अंतर देख पाते हैं? एक मुख्य अंतर यह है कि रेसिंग कार की चाल बहुत ज्यादा होती है। दूसरा मुख्य अंतर यह है कि रेसिंग कार का पिकअप ज्यादा होता है। पिकअप यह बताता है कि कार की चाल कितनी तेजी से बढ़ रही है। इसके लिए एक तकनीकी शब्द त्वरण का प्रयोग किया जाता है। सारणी क्रमांक एक की मदद से बस ए व बस बी के वेग की गणना करें व दी गई सारणी क्रमांक 6 को पूर्ण करें। सारणी क्रमांक 6 में हम पाते हैं कि बस ए की गति के दौरान वेग में परिवर्तन शून्य तथा समान समय अंतराल में वेग नियत है, परंतु बस बी की गति के दौरान विभिन्न समय में वेग में परिवर्तन हो रहा है। अतः अब हमें बस के वेग में परिवर्तन को व्यक्त करने के लिए एक नई राशि के बारे में जानना होगा। बस के वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। यदि एक वस्तु u वेग से चल रही है और एक समय में उसका वेग v हो जाता है तो त्वरण a बराबर v माइनस यू बटे टी। त्वरण को संकेत a से दर्शाते हैं। इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। जब समय के साथ वस्तु का वेग बढ़ता है तो उसमें उत्पन्न त्वरण का धनात्मक त्वरण और जब समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो उसके त्वरण को ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण मंदन कहलाता है। इसे माइनस ए से प्रदर्शित करते हैं। जब समय के साथ वेग में परिवर्तन समान होता है तो उसे एक समान त्वरित गति कहते हैं तथा इसका त्वरण नियत रहता है। क्रियाकलाप दो। एक वस्तु द्वारा 2 सेकंड के समय अंतराल में तय की गई दूरी निम्नानुसार है। उसका वेग व त्वरण की गणना करें व सारणी क्रमांक 7 की पूर्ति करें। सारणी क्रमांक 7 में आप पाते हैं कि प्रत्येक समय पर त्वरण समान है, अर्थात समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन समान है। अतः वस्तु की गति एक समान त्वरित गति होगी। इस तालिका को पूर्ण कर एक समान त्वरित गति की दूरी समय वेग समय व त्वरण समय के बीच ग्राफ खींचें। एक समान त्वरित गति में त्वरण समय के साथ नियत रहता है, अतः त्वरण समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर सरल रेखा होती है। त्वरण समय ग्राफ का 4-8 सेकंड के समयांतराल के लिए समय अक्ष पर घिरा क्षेत्रफल बराबर आयत ABML का क्षेत्रफल बराबर AL × LM बराबर 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर गुणित 8×4 सेकंड बराबर 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर गुणित 4 सेकंड बराबर 16 मीटर प्रति सेकंड। इस तरह त्वरण समय ग्राफ का समय अक्ष पर घिरे क्षेत्रफल से हम वेग ज्ञात कर सकते हैं। आइए एक समान त्वरित गति में वेग समय ग्राफ को देखें। ग्राफ से T1 बराबर 2 सेकंड में U बराबर 0.5 मीटर प्रति सेकंड, T2 बराबर 6 सेकंड में V बराबर 1.5 मीटर प्रति सेकंड, त्वरण बराबर V माइनस U बटे T2 माइनस T1 बराबर 1.5×0.5 बटे 6×2 बराबर 1/4 बराबर 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम जानते हैं कि वेग बराबर विस्थापन बटे समय, अर्थात एक समान वेग से चल रही वस्तु के वेग एवं समय के गुणनफल से विस्थापन प्राप्त किया जा सकता है। चित्र क्रमांक 9 में ग्राफ में दर्शाए गए क्षेत्र ABCDE का क्षेत्रफल दिए गए समयांतराल में विस्थापन S को दर्शाएगा, अर्थात S बराबर
ए बी सी डी ई का क्षेत्रफल बराबर आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल धन त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर ए बी गुणित बी सी धन एक बटे दो गुणित ए डी गुणित डी ई। एस बराबर 0.5 गुणित 4 धन 1 बटे 2 गुणित 4 गुणित 1 बराबर 2 धन 1 बटे 2 गुणित 4 बराबर 2 धन 2 बराबर 4 मीटर। वेग समय ग्राफ का समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल विस्थापन के परिमाण को बताता है।